जीआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में कुछ प्रैक्टिकल टर्म ही देखेंगे, ठीक है। कुछ रिवीजन टॉपिक हो सकते हैं या फिर जो भी। तो जैसा कि आप लोग तो फोल्डर बनाना सीखे हैं, कुछ लोग नए भी हैं, तो आज की क्लास में वो लोग भी देख लें और कुछ चीजें एक्स्ट्रा होंगी। चलिए देख लेते हैं पहले। तो फोल्डर बनाने का बहुत सिंपल सा तरीका है, आपको स्क्रीन पे राइट क्लिक, कहीं भी होंगे आप जहाँ वहां राइट क्लिक करेंगे और न्यू पे जाएंगे और फोल्डर पे जाएंगे और न्यू फोल्डर बनकर आपके आ गए। अब आप बाय डिफॉल्ट किस नाम से बनता है, न्यू फोल्डर नाम से। अगर आप इंटर कर देंगे तो न्यू फोल्डर नाम से सेव हो जाएगा। फिर अगर फोल्डर बनाएंगे तो किस नाम से बनेगा, वो न्यू फोल्डर वन से। फिर सेव करेंगे तो न्यू फोल्डर टू से। फिर सेव करेंगे तो न्यू फोल्डर थ्री से। तो जरूरी नहीं न्यू फोल्डर नाम से ही बनाए, आप यहाँ अपना नाम भी ले सकते हैं। जैसे मैंने अपना नाम दिया सर्विस और मैंने इंटर कर दिया, तो सर्विस नाम से फोल्डर हो गया। ठीक है, कुछ नाम के फोल्डर ऐसे भी होते हैं जिसको हम क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे राइट क्लिक किया, न्यू पे गए, फोल्डर पे गए, न्यू फोल्डर बन के आया। एक मिनट, न्यू पे गए, फोल्डर पे गए, फोल्डर आया, मैंने यहाँ पे डाल दिया ए यू एक्स। अब जैसे मैंने सर्विस लिख के इंटर किया था, वैसे मैं ए यू एक्स लिख के इंटर कर रहा हूँ। जैसे इंटर करूंगा तो कहेगा दिस स्पेसिफाइड डिवाइस इज नेम इज इनवैलिड। जो नाम आप लिख रहे हो क्या है, इनवैलिड, इस नाम से आप नहीं बना सकते। क्योंकि कुछ नाम ऐसे होते हैं जिसको कंप्यूटर अलाउ नहीं करता है, लेकिन हम लोग भी, हमको तो बनाना है, कैसे भी बनाना है, तो उसके लिए हमें राइट्स लेना पड़ता है। राइट्स का मतलब क्या होता है, राइट्स का मतलब क्या होता है, आर आई जी एस टी मतलब, आर आई जी एस टी यस, राइट्स मतलब सही, बेवकूफ। राइट्स मतलब होता है अधिकार। क्या होता है, अधिकार लेना। क्या लेना, अधिकार लेना। तो हमें इसके लिए राइट्स लेना होता है। ओके करिए, जो जो भी न्यू फोल्डर लिखा है इसको बैक स्पेस से क्या करिए, मिटा दीजिए। और जो आपको ये व्हाइट वाला पोर्शन कहीं और बाहर नहीं क्लिक करिएगा, ये व्हाइट वाला जो पोर्शन दिख रहा है इसी में राइट क्लिक करना है और कहाँ जाना है, इंसर्ट यूनिकोड पे। कहाँ जाना है, इंसर्ट यूनिकोड पे। इतने सारे कोड दिख रहे हैं, इतने सारे, कोई भी एक कोड ले लीजिए, कोई भी एक कोड ले लीजिए और अब लिख दीजिए ए यू एक्स और इंटर कर दीजिए, तुरंत बन के तैयार हो गए। देखिए दिक्कत नो सर, ऐसे बनाना है आपकी क्लास में, ये सब करना है। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ दोनों को। आपको पता ही है कि इसको हम डिलीट करेंगे तो कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, रिसाइकल बिन में। कहाँ जाएगा, रिसाइकल बिन। आजकल फोन में भी आने लगा है, देख रहे हैं ना, कोई चीज डिलीट करते हैं तो उसको रिस्टोर भी कर सकते हैं। रिसाइकल बिन इसलिए दिया है कि अगर कोई चीज बाय मिस्टेक्स आपसे डिलीट हो जाए तो आप उसको रिस्टोर करें, रिकवर कर सके। आप जाएंगे कहाँ, रिसाइकल बिन में। ये रहा रिसाइकल बिन, डस्टबिन के जैसे बना होता है। और यहाँ पे देखिए सर्विस और ये उसके नाम से आया है, तो सर्विस पे मैंने राइट क्लिक किया और क्या कर दिया, रिस्टोर। क्या कर दिया, रिस्टोर। और ये कहाँ गया, वहीं गया जहां से इसको डिलीट किया गया था। कहाँ गया, वहीं चला गया जहां से इसको डिलीट किया गया था। देखिए तो सर्विस वापस आ गया। लेकिन अगर आप इंटेंशनली मतलब जानबूझकर अगर इस चीज को डिलीट करना चाहते हैं, परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं कि ये जैसा डिलीट करें कि रिसाइकल बिन में ही ना जाए, तो ऐसे कंडीशंस में आप शिफ्ट के साथ डिलीट बटन का यूज करेंगे परमानेंट डिलीट करने। बात क्लियर है, क्या यूज करेंगे, शिफ्ट के साथ। लिख लीजिएगा जो भी लोग नए हैं या पुराने जो नहीं लिखे होंगे, कि परमानेंट डिलीट करने की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस डिलीट। हो गया, ठीक है। तो अगर इसको परमानेंट डिलीट करना है तो शिफ्ट के साथ क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। तो देखिए पूछेगा, आर यू सो यू वांट टू परमानेंट डिलीट दिस फोल्डर, क्या आप कंफर्म है कि आप परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं। मैंने कहा यस, इंटर दबा दिया। अब इसको जाइए रिसाइकल बिन में, सामने देखिए, अब जाइए रिसाइकल बिन में, तो अब है क्या सर्विस नाम से, नहीं है, यानी परमानेंट डिलीट हो गया। तो परमानेंट डिलीट करना है तो शिफ्ट डिलीट, या आपको कभी फ्यूचर में उसकी जरूरत पड़ सकती है तो क्या करेंगे आप, सिर्फ डिलीट करेंगे, कोई दिक्कत। ठीक है, न्यू फोल्डर बनाने की शॉर्टकट की नए लोग लिख लीजिएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। न्यू फोल्डर की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, एन हो गया। ट्रिपल सी में क्वेश्चन आता है कि किस नाम से फोल्डर नहीं बना सकते हैं, अगर स्पेशल कैरेक्टर की बात करते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि स्पेशल कैरेक्टर के माध्यम की अगर बात करें, किस नाम से फोल्डर नहीं बना सकते,
जैसे कि पूछेगा एट द रेट दे दिया, एट द रेट फॉरवर्ड स्लेस एक्सक्लेमेशन मार्क और नन ऑफ दिस ऐसा पूछ देता है, तो याद रखिएगा किस किस नाम से फोल्डर आप नहीं बना सकते, सुनिएगा, स्टार से, एस्ट्रिक से, फॉरवर्ड स्लैश, बैकवर्ड स्लैश से, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन से और क्वेश्चन मार्क से, इन नाम से आप फोल्डर नहीं बना सकते। ट्रिपल सी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, नोट कर लीजिएगा, कौन कौन सा, फॉरवर्ड स्लैश, बैकवर्ड स्लैश, एट द रेट, ग्रेटर देन, लेस देन और एस्ट्रिक, इन नामों से फोल्डर आप नहीं बना सकते। ये रिपीटेड है, क्वेश्चन आया हुआ है रिसेंटली, इसको लिख लीजिए, किस नाम से, स्टार यानी एस्ट्रिक, फॉरवर्ड स्लैश, बैकवर्ड स्लैश, क्वेश्चन मार्क और स्टार और ग्रेटर देन और लेस देन, इस नाम से आप फोल्डर नहीं बना सकते, इस नाम के फोल्डर नहीं बना सकते, फोल्डर या फाइल नहीं बना सकते। नोटपैड ओपन कर लें क्या, दिख नहीं रहा होगा ना, अच्छा ठीक है, नहीं 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 कंप्रोमाइज मत किया करिए, आपको जो बातें होती है क्लियर बोलना चाहिए, अब तो दिख रहा होगा ना, हाँ उनका डाउट था कि रिसाइकल बीन से कैसे डिलीट करेंगे, एक सेकंड रुक जाइए, आपको ये रिसाइकल बीन है, AUX नाम से फोल्डर ऑलरेडी डिलीट किया है, इससे भी डिलीट करना है तो राइट क्लिक करिए, आप इस पर सिलेक्ट करके राइट क्लिक करिए, रिस्टोर ना करके क्या कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए, अब यहाँ से परमानेंट डिलीट हो जाएगा, तो इतना स्टेप करने की क्या जरूरत है जब वहीं से आप डिलीट कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। चलिए नोटपैड वाला ये लिख लीजिए कि इस हिसाब से फोल्डर नहीं बना सकते, इसी से सिंबल से स्टार से फॉरवर्ड से बैकवर्ड से प्लस से बात स्टार रीडर है इससे फोल्डर क्या बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह, नहीं होते हैं जहाँ कोई चीज एक्सप्रेस किया जाता है, इसलिए इसमें से मान बोला जाता है, इसमें से आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसकी बात क्लियर है ना, इस नाम से नहीं बन पाएगा और इससे बन सकते हैं, ठीक। चलिए आगे चले, और क्या हो रहा है, न्यू फोल्डर बनाना, तो नया फोल्डर बनाना सीखे, अब शॉर्टकट की मैंने बताया था, देख लीजिएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन हो गया ना, न्यू फोल्डर बना के शॉर्टकट की, हर चीज की शॉर्टकट की आपको पता होगा, ठीक है। तो और हमने क्या कवर कर चुके हैं कि बिना नाम का फोल्डर बनाना, तो बिना नाम का भी फोल्डर बनाना तो वही स्टेप होगा जो आप लोग के यूएक्स के लिए किए हैं ना, वही काम इसमें भी करेंगे, बस यही होगा, बिना कुछ लिखे इंटर मार दीजिएगा भाई, उस तरह बिना लिखे इंटर मारेंगे तो दिक्कत होगा, जैसे मान लो यहाँ क्लिक किया
न्यू पे गए, फोल्डर पे गए और बैक स्पेस दबा के मिटा दिया, और इंटर करेंगे तो उसी नाम से हो जाएगा, न्यू फोल्डर नाम से। लेकिन नहीं, हमको न्यू फोल्डर नाम से नहीं, बिना नाम के बनाना है ना। यस सर। तो बैक स्पेस दबाइए और इस व्हाइट वाले पोर्शन में ही क्लिक करिए। अभी भी वही काम, सेम राइट क्लिक, इंसर्ट यूनिकोड, कोई भी कोड सिलेक्ट कर लीजिए और बिना कुछ लिखे ही इंटर मार दीजिए। तो बिना नाम के फोल्डर कैसे बन जाएगा? बिना नाम के लिख लीजिएगा आप लोग। तरीका याद रखिएगा कि राइट क्लिक कहाँ करना है, उसी व्हाइट वाले पोर्शन में जिसमें नाम लिखना है, और कहीं बाहर क्लिक करेंगे तो वो ऑप्शन नहीं आएगा। कौन सा ऑप्शन है लिख लीजिए, इंसर्ट यूनिक कोड, क्या नाम है उसका, इंसर्ट यूनिक कोड, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, इंसर्ट यूनिक कोड। यूनिक मतलब यूनिक कोड होता है, यूनिक कोड लिखा, ऑप्शन में जाएंगे, कोई भी एक कोड सिलेक्ट कर लेंगे, कोई भी लिख लीजिएगा, कोई भी एक कोड सिलेक्ट करेंगे क्योंकि बहुत सारे कोड वहां दिख रहे हैं, तो लिख लीजिए कोई भी कोड सिलेक्ट कर लेंगे। हो गया, आगे चले, आगे चले चलिए। तो बिना नाम से फोल्डर हो या एक नाम से ही फोल्डर दो बनाना है तो भी यही कॉन्सेप्ट लेंगे, यही कॉन्सेप्ट। कैसे, सुनिएगा ध्यान से। अगर मान लीजिए बिना नाम का फोल्डर बन गया, इसको हम रीनेम कर देते हैं, क्या कर देते हैं, यफ टू लिख लीजिएगा। रीनेम करने की शॉर्टकट की होती है यफ टू, रीनेम की शॉर्टकट की होती है यफ टू, यफ टू बटन, यफ टू लिख लीजिए, रीनेम की शॉर्टकट की होती है यफ टू। हो गया बच्चों, तो मैंने F2 लगाया, F2 दबाया और हमने इसको रीनेम करके लिख दिया राम, क्या लिख दिया राम, और इंटर कर दिया। तो देखो बच्चों सामने, तो एक राम नाम से फोल्डर हो गया। अगर एक और इसी नाम से बनाना है तो राइट क्लिक करके न्यू पे जाके जब फोल्डर बनाएंगे और सेम नाम जब डालेंगे तो क्या करेगा, एक एरर आएगा, क्या एरर आएगा देखिएगा, जैसे इंटर करेंगे तो कहेगा कि जहां दिस फाइल दिस डेस्टिनेशन ऑलरेडी कंटेन ए फोल्डर नेम, जिस डेस्टिनेशन पे या जिस गंतव्य पे आप इस फोल्डर को सेव करना चाहते हैं वहां ऑलरेडी इस नाम से एक फोल्डर सेव, तो क्या आप उस फोल्डर को इससे रिप्लेस करना चाहते हैं? कभी भी गलती से यस मत करिएगा, क्योंकि पहले वाले फोल्डर में अगर डाटा होगा और दोबारा ये फोल्डर उसी नाम से बना रहे हैं तो ये फोल्डर तो खाली है, लेकिन पहले वाले में तो डाटा है ना, ऐसा मान लेते हैं। तो जैसे ही यस करेंगे तो पुराने वाले जगह ही नया वाला जगह ले लेगा, तो पुराने वाला डाटा सब क्या हो जाएगा, गायब, डिलीट, वापस भी नहीं कर पाएंगे उसको, तो इसलिए इसको नो करिए। क्या करेंगे, वही सेम काम, बैक स्पेस दबाएंगे, आप लोग बोलिए बैक स्पेस दबाएंगे, वाइड वाले पोर्शन में राइट क्लिक, इंसर्ट यूनिक कोड में कोई भी कोड ले लेंगे और फिर से वही टाइप करेंगे, क्या सेम चीज, और इंटर। देखिए बन गया ना, राम राम दो नाम एक ही नाम से, तो ये लॉजिकली तो नहीं बनता है, अगर क्वेश्चन आता है क्या एक ही जगह पे दो नाम हो सकता है, नहीं होता है, लेकिन हाँ तरीका है कि कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तीसरा चीज देख लीजिए कि फोल्डर का आइकॉन ऐसा ही होता है, ये बात सत्य है, सही है 101%। फोल्डर का आइकॉन कैसा होता है, आइकॉन क्या होते हैं पहले समझिएगा। जो सबसे पहली चीज क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हम सिस्टम ऑन करते हैं तो जो पहली स्क्रीन होती है उसको क्या बोलते हैं, कोई बताए, जब हम सिस्टम ऑन करते हैं जो हमारी पहली स्क्रीन होती है फर्स्ट स्क्रीन, उसे हम क्या बोलते हैं, हाँ कोई भी बोलता है कि जब हम सिस्टम ऑन करते हैं तो जो हमारी पहली स्क्रीन दिखती है उसको क्या बोलते हैं, आइकन बोल देते हैं। अच्छा
जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो जो पहली स्क्रीन आती है उसे हम बोलते हैं विंडो। क्या बोलते हैं? लिखिए तो इस बात को, जब हम सिस्टम ऑन करते हैं तो जो पहली स्क्रीन होती है उसे क्या बोलते हैं? विंडो। बस इतना ही, सॉरी विंडो बोला हूँ, डेस्कटॉप, माय फॉल्ट। क्या बोला तुम? ऐसा बोले हो विंडो आएगा, दिमाग वही चल रहा था, गलत बता बता के मुझे भी गलत पढ़ा दोगे तुम लोग। डेस्कटॉप बोलते, क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप, माय फॉल्ट। जब हम सिस्टम ऑन करते तो जो पहली स्क्रीन होती है क्या होती है? डेस्कटॉप होती। कौन बोला था विंडो आइकन? थोड़ा चेहरा दिखाया मुझे, विंडो आइकन कौन बोला था? मोनू है क्या? हाँ और कोई कौन था वो डेस्कटॉप वाला आइकॉन? कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? सुनिए तो डेस्कटॉप जब सिस्टम ऑन करते हैं तो पहली स्क्रीन क्या होती है? डेस्कटॉप। और डेस्कटॉप पे जो छोटे छोटे पिक्चर्स होते हैं ना उन्हें हम क्या बोलते हैं? आइकॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो लिख लीजिए द स्मॉलेस्ट पिक्चर, द स्मॉलेस्ट पिक्चर, द स्मॉलेस्ट पिक्चर ऑन योर डेस्कटॉप, द स्मॉलेस्ट पिक्चर, द स्मॉलेस्ट पिक्चर ऑन योर डेस्कटॉप इज कॉल्ड आइकॉन, इज कॉल्ड आइकॉन। जो भी छोटे छोटे पिक्चर्स, हिंदी में बोल सकते हैं, जो भी छोटे छोटे पिक्चर्स होते हैं कहाँ? डेस्कटॉप पे, उसे हम क्या बोलते हैं? आइकॉन बोलते हैं। हो गया क्या? आगे चले? यस सर। ठीक है, तो अगर हम पार्टिकुलर किसी की बात करें ना तो ये फाइल बोल सकते हैं, ये फोल्डर बोल सकते हैं। अगर ग्रुप में बात करेंगे तो आइकन बोल देंगे, लेकिन पार्टिकुलर बात करें तो ये फोल्डर, ये फाइल है। समझ में आ गई बात ना? यस सर। तो हम बात करें फोल्डर का, फोल्डर का आइकन जैसे पीला येलो कलर में बना हुआ है डायरी के जैसे, बिल्कुल ऐसा ही होता है, बात सही है। लेकिन अगर कोई पूछता है क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं तो आप क्या बोलेंगे? कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगर कोई बोले कि क्या एक फोल्डर का आइकॉन चेंज कर सकते हैं, जो एक किताब के जैसे दिख रहा है, क्या आप उसको चेंज कर सकते हैं? आप क्या बोलेंगे? हाँ सर, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। बस आपको इस पे करना है सिलेक्ट, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद आपको जाना है प्रॉपर्टीज में। क्या जाना है? प्रॉपर्टीज। तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा, देख रहे हैं? यस सर। ठीक है, लिखिए प्रॉपर्टीज, लिखिए प्रॉपर्टीज इक्वल टू अल्ट प्लस इंटर। प्रॉपर्टीज यानी प्रॉपर्टीज ओपन करने की शॉर्टकट की होती है अल्ट प्लस इंटर। लिखिए प्रॉपर्टीज ओपन करने की शॉर्टकट की होती है अल्ट प्लस इंटर, अल्ट प्लस इंटर। क्या होगा? अल्ट प्लस, दिक्कत है क्या यहाँ तक? सुनिएगा, यानी सबसे पहले तो फोल्डर को सिलेक्ट करना पड़ेगा ना, अब तब क्या दबा देंगे? अल्ट के साथ इंटर। देखिए वही इंटरफेस खुल के आ गया कि नहीं आ गया, मतलब उतना स्टेप फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अब आपको जाना है, एक बार याद रखिएगा, जब जब भी आपको अपने अनुसार कोई चेंजिंग चाहिए, अपने अनुसार कोई काम करना चाहते हैं, तो हम हर बार कस्टमाइज सेक्शन में जाते हैं। किस सेक्शन में जाते हैं? याद रखिएगा, कस्टमाइज का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू मी और अकॉर्डिंग टू यू। जब भी आपको अपने अनुसार या किसी के अनुसार चलना है तो हम किस सेक्शन में जाएंगे? तो जाइए कस्टमाइज में, कस्टमाइज में जाएंगे। वहीं जैसे जाएंगे तो यहाँ एक ऑप्शन मिल जाएगा, क्या? चेंज आइकॉन मिल गया, बस इस पर क्लिक करेंगे। इतने सारे आइकॉन्स आपको दिख रहे हैं, इतने सारे बहुत है, और इधर जाके देखिए बहुत सारे आइकॉन मिल जाएंगे। तो जो भी लेना है आप उसको सिलेक्ट करेंगे, क्या कर देंगे? ओके कर देंगे और ओके कर देंगे। देखिए चेंज हो गया, चेंज हो गया ना। ऐसे आप फोल्डर के आइकॉन्स भी, हाँ कौन बोल रहा है? मंटू। फोल्डर पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे,
कस्टमाइज पे जाएंगे। कस्टमाइज का मतलब जो अपने अकॉर्डिंग ना लिखते रहिएगा, और चेंज आइकन पे जाएंगे, कोई भी सिलेक्ट कर लेंगे और क्या करेंगे ओके और फिर से ओके। हो गया, हाँ बस ऐसे कर लीजिएगा। कोई दिक्कत है? तो ऐसे आप फोल्डर के आइकन भी चेंज कर सकते हैं, लिख लीजिएगा चेंज आइकन करने का क्या होगा। देखिए आप अगर आपको दिक्कत हो रही हो, नहीं कर पा रहे हो तो बोल लीजिएगा, स्टेप भी बता दूंगा। फोल्डर पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे और कहाँ जाएंगे, कस्टमाइज में जाएंगे, चेंज आइकन करेंगे। आप लोग लिखते रहिए, जिनको नहीं आ रही है पूछ पूछ के धीरे धीरे लिखते रहेंगे, क्योंकि सबकी कैपेसिटी एक बराबर नहीं है, पता है मुझे। और कंप्रोमाइज मत करिए, जहां आप सब लोग पैसे दे रहे हैं, सब लोग पढ़ने आए हैं, जहां दिक्कत हो रही है पूछिए, मैं इसीलिए हूँ, ठीक है? ठीक है, तो आप लोग कैसे कैसे लिखा जाता है देखिए, एक तरीका क्या होता है, लिखते हैं राइट क्लिक RIGST राइट क्लिक ऑन फोल्डर, इस तरफ सिंबल लगा लिया जाता है, इस तरफ सिंबल लगा लिया जाता है, तो जूम कर दे क्या, राइट क्लिक ऑन फोल्डर, ऐसे ग्रेटर देन का सिंबल लगा लीजिए, उसके बाद से कहां जाएंगे, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज इसके बाद भी ग्रेटर देन का सिंबल लगा लीजिए, प्रॉपर्टीज के बाद कहां जाएंगे, उसके बाद कहां जाएंगे, चेंज आइकन, ऐसे ऐसे करके आप लोग अपने आप लिखते रहिए, नहीं आ रहा तो हमसे पूछ लीजिए। चेंज आइकन, उसके बाद से क्या है, चूज आइकन, जो आपको चूज करना है, उसके बाद से ओके और अगेन ओके, उससे क्या हो जाएगा आपका आइकन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखिए ऐसे आप लोग लिखते रहिए, एक बार मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग हर बात में चाहे हिंदी में इंग्लिश में जैसा भी आपको लिखना है ऐसा लिखेंगे तो आपको समझ में रहेगा कैसे आइकॉन चेंज करना है, ठीक है, स्टेप भी रहेगा काफी, पढ़ लेंगे ना सब लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी ना, ठीक है, जिनको दिक्कत होगी पूछिएगा, हिंदी में भी बता दूंगा। हो गया, yes, चलिए, तो ऐसे आप आइकॉन भी चेंज कर लेंगे। अब आप लोग चेक कर लीजिएगा, इस तरह जितने सिंबल बनाए गए हैं आज आप लोग चेक कर लीजिएगा, कंट्रोल शिफ्ट एन फोल्डर बना, तो यहाँ देखिए एट द रेट लिखेंगे, एट द रेट लगा के लिखेंगे और इंटर करेंगे तो फोल्डर बन जाएगा एट द रेट नाम, देख रहे हैं, yes, लेकिन वही कंट्रोल शिफ्ट एन फोल्डर बनाए और हम उस नाम से बनाते हैं, स्टार नाम से, देख रहे हैं, स्टार ले लिए, जैसे ही स्टार दबा है तुरंत कह रहा है फाइल नेम कैन नॉट कंटेन एनी फॉलोइंग कैरेक्टर, इसमें से कोई कैरेक्टर नहीं आना चाहिए, क्या फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश एक बार फिर से दबा रहे हैं, यूज कर रहे, देख रहे हैं यहाँ से, दिख रहा है, बैकवर्ड स्लैश फॉरवर्ड स्लैश कॉलन भी, इसमें कॉलन भी लगा लीजिएगा, कॉलन एक्सक्लेमेशन मार्क इसमें नहीं था ना, ठीक है, क्वेश्चन मार्क हम लिखवाया क्या, चलो ठीक है, क्वेश्चन मार्क भी है और एक फुल स्टॉप भी लिख लीजिएगा, फुल स्टॉप स्टार्ट हो जाएगा, फुल स्टॉप समझ रहे हैं, फुल स्टॉप हिंदी वाला खड़ी पाई, वो फुल स्टॉप नहीं है, हिंदी में ही पुलिस खड़ी पाई देते हैं वो वाला, और इन्वर्टेड कामा भी, इन्वर्टेड कामा जो होता है, इन्वर्टेड सिंबल तो आप लोग याद होगा ना, लेकिन मैं बताया था आप लोग को, याद रखिए
कि ध्यान से देखिएगा, ऐसे अगर रहता है इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं लेस देन, बताया थे ना, इसको बोलते हैं सेमी कॉलन, और जो डबल बिंदु रहेगा उसको बोलेंगे कॉलन, कॉलन सी सी ओ एल ओ एन, इसको बोलेंगे सेमी कॉलन। तो ये सब सिंबल का नाम याद होना चाहिए भाई, पूछा जाता है ठीक है, ऐसे बना के आप लोग लिख लीजिए दोस्तों, कम से कम कॉलन और सेमी कॉलन, डबल बिंदु रहेगा तो कॉलन है, और कॉलन होता है कॉलन सी ओ एल ओ एन, कई लोग कॉलम बोलते हैं, कॉलम नहीं कॉलन है। तो दिक्कत नहीं है ना, तो इतना चीज आज कर लीजिए, अब कल से हम लोग आगे बढ़ेंगे, और जो भी नए हैं और सर ध्यान दीजिए आपको लिए जरूरी है, और जो लोग पुराने बच्चे हैं जिससे मित्रता बनाए रहिए, आपके पास बैठिए ताकि आपको कोई हेल्प करे, और आप लोग भी हेल्प करिए ठीक है, आप लोगों का भी क्लियर हो जाएगा और लोगों को भी समझा पाएंगे ठीक है, और हेल्पिंग नेचर रखिए, और जो लोग डेट चाहिए थोड़ा टाइम चाहिए आपको, ठंड भी बहुत ज्यादा है थोड़ा कवर करके रखिए अच्छे से कवर, ये नहीं कुछ भी मार लगे धीरे से ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में एडमिशन, कल संडे रहेगा, कल तो छुट्टी रहेगी, और परसों आई मीन की टुमारो पे एक बार और मारो, तो टुमारो आ जाता है पता है ना, तो फिर चलिए।